तरीका मिल गया किस तरीके से यहाँ पर पार्वती की लेगी जान। हमने देखा था ना पहले कितनी बार कोशिश कर चुकी है कि पार्वती की वो जान भी ले ले, यहाँ पर प्रूफ भी कर दे कि ये पार्वती नहीं परी है, लेकिन कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। पर भाई अब उसको मिल गया है मौका और अब यहाँ पर उसको कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देगी। भाई होता यह है कि यहाँ पर राजीव के संग बड़ी रोमांटिक डांस कर रही होती है पार्वती, मजा आ गया एक साथ मेरे दोनों दुश्मन ठंडे। और ये देख के तो भाई नीति के आग बबूला ही हो जाती है, मतलब और चिढ़ जाती है। पहले से ही वो उतने गुस्से में थी क्योंकि राजीव ने उससे पहले ही ना उसको धमकी वगैरह दी थी दूर रहने की, और उसको बोला था कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और नीति मैं तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, मेरे दिमाग में तो सिर्फ परी थी ना, तो तुम कहां से बीच में आ गई। और ये सारी चीजें सुन के तो और बहुत गुस्से में थी, तो नीति क्या करती है अंबिका के बहाने परी को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है। वो बोलती है कि अंबिका जो है ना वो कोल्ड स्टोरेज में बंद होगी और जाओ उसे ढूंढो जाके, और फटाफट से वो जैसे ही अंदर जाती है उसको बाहर से बंद कर देती है। अब वो चिल्ला रही है अंदर से कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, क्योंकि वहां का अंदर का जो कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर है ना वो बहुत हाई है, और एकदम एक घंटे में ही ना वो इतनी बर्फ जम जाती है कि परी की भी हालत बहुत खराब होने लगती है। यहां पर वो चिल्ला रही है जोर जोर से कि मुझे बचाओ, लेकिन यहां पर कोई बचाने को ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि भाई परी इसके अंदर है। पर जो नीति है ना वो बाहर से बहुत खुश हो रही है और उसको लग रहा है कि परी की तो अब जान चली जाएगी, लेकिन भाई लास्ट मोमेंट पे यहां पर राजीव आता है और राजीव उसको बचा लेगा। राजीव उसका ताला वगैरह तोड़ता है और उसको बाहर निकाल के ले आता है और पूछता है भाई ये किसने किया। यहाँ पर परी बताती है कि नीति ने किया। अब देखते हैं भाई नीति के साथ क्या होता है। तो ये नीति ना पीछे से खड़े होकर सुन रही होती है और जैसी सुनती है अपना नाम वैसी उसके होश उड़ जाते हैं। तो देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर नीति होगी एक्सपोज। और जब ये सच सामने आएगा कि पार्वती को कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था नीति ने जान पूछ के, तो देखते हैं नीति के साथ क्या होता है। यहाँ पर भाई राजीव ने तो उससे रिश्ता बुरी तरीके से तोड़ ही दिया है, यहाँ पर गुरविंदर राजीव और ये सब लोग उसका घर छोड़ के भी आ गए हैं। तो अब देखते हैं अब नीति के साथ क्या होता है।